वेलकम टू बिट्स चटोरी ब्लॉग। आज मैं एक बहुत ही हेल्दी चीज़ आपके लिए लेके आई हूँ जो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे आप खांसी से बच सकते हैं। बच्चों को दो, कैंडी का टेस्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमने लिए हैं अदरक जिंजर, 100 ग्राम्स अदरक लिए। इनको हमने भूनना है, इनका ऊपर का स्किन को जलाना है जिससे थोड़े से सॉफ्ट अप हो जाएंगे। और जितना अदरक है उससे डबल क्वांटिटी में हमने गुड़ लिया है, थोड़ा शहद लिया है और थोड़े से लिए हैं हमने तिल जो हमने थोड़े ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। और इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। तो हम इसको भून के थोड़ा जला लेंगे और फिर इसको पानी में डाल के इसका स्किन हटाएंगे और फिर इसको कद्दूकस कर लेंगे। और रोज़ सुबह उठ के अपने बच्चों को एक छोटी सी कैंडी दो, गुड़ की कैंडी दो। उसको हमने ऐसे गल्प डाउन नहीं करना, च्यू नहीं करना, थोड़ी देर मुंह में रखना है ताकि जो अदरक और शहद का इफेक्ट है वो हल्के हल्के गले में जाए, सूदिंग इफेक्ट दे, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और हमें खांसी से बचाएगा। हमारा गला काफ़ी सूदिंग इफेक्टिव रहेगा, सूदिंग रहेगा। ये एक मैंने लिया था पापड़ बनाने के लिए, बट इसमें इतनी स्मेल आती है जब हम गैस के ऊपर रखते हैं। तो ये स्टैंड के ऊपर ही आप अदरक रख के कर सकते हैं। ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, मैं अपने घर में रोज़ बना के रखती हूँ। ये 1 वीक तक ख़राब नहीं होता। 1 वीक तक आप इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। और सब लोग सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक छोटा सा जो इसका एक लड्डू टाइप का बॉल सा बनेगा उसको रखें मुँह में थोड़ी देर के लिए, गुड़ का स्वाद ले, शहद का स्वाद ले और जिंजर का एक सूदिंग गले को लगता हुआ इफेक्ट मिलेगा आपको। अब इसको हम पानी में डाल देंगे, फिर इसका स्किन पील ऑफ कर देंगे। स्टैंड को हटाते हैं। जब तक ये प्रोसेसिंग हो रही है तब तक हम रखते हैं अपना पॉक। इसमें डालेंगे हल्का सा घी और तब तक हमारा गुड़ तैयार होगा। उसके बाद हम अदरक डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच डालना है घी आपको। ये देखिए अदरक का छिलका कितने आराम से हट जाता है। ये अदरक छील लिया हमने, अब इसको कद्दूकस करेंगे और ये हमारा गुड़ हो ही रहा है। और इसको हमको जिसमें गुड़ और ये मिक्सचर निकालेंगे उसमें थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे इसको, ये मिक्सचर को, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। ये देखिए साथ साथ डालते रहो इसको। ये अदरक ग्रेट कर लिया है, ये जाएगा इसमें, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा शहद भी डालती हूँ, शहद गले के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। शहद 1 चम्मच शहद, ये थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि इसकी बॉल नहीं बनती है। जब ये देखिए कैसे बबल्स उठ रहे हैं, क्या सोंधी खुशबू आ रही है अदरक के साथ गुड़ की, वाओ। प्लेट को ग्रीस करेंगे, इसी में ट्रांसफर करना है क्योंकि हमको ये मिक्सचर। कब ये इसकी कंसिस्टेंसी रेडी है, इसको जरा सा डालें प्लेट की साइड में और इसकी बॉल बननी चाहिए जब आप फिंगर्स के बीच में लोगे। इसको बॉल, इसका मतलब ये डन है। इसमें भुने हुए तिल जाएंगे, इसके ड्राई रोस्टेड तिल जाएंगे। और इसको हम ट्रांसफर करेंगे ग्रीस प्लेट में, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना नहीं तो इसके बॉल्स नहीं बनेंगे। तो ये हमारे जैगरी एंड जिंजर के लड्डू रेडी हैं। इनका नाम मैंने रखा है क्या, जैग जिन बॉल्स। रोज इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें और ध्यान बस यही रखना है जब बॉल्स बनानी, या तो आप अगर बॉल्स नहीं बनाना चाहते इसको ग्रीस करके प्लेट में इसको सेट करके फिर बर्फी टाइप भी बना सकते हैं, पर बॉल्स बेटर अलग ऑप्शन है। ये गया
सो स्टिकी, टॉफी की तरह रखो मुंह में और इसकी इफेक्टिविटी देखो गले में। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।